Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Welcome to Rajava Cast YouTube channel. Aaj main is waqt hoon Kail mein aur ye Kail Azad Kashmir mein hai aur kal basically hum is trip ke liye aaye the aur hamara jo journey start hua tha it was quite long journey actually. Maine shayad zindagi mein itna lamba safar nahi kiya hoga jitna kal kiya. Hamara jo journey start hua that was around 5:30 in the morning. Mujhe inhone pick ये चूँकि एक ग्रुप है उस ग्रुप के साथ हम आए और फिर वो मुजफ़्फ़राबाद आए. मुजफ़्फ़राबाद एंटर होने से कुछ पहले ही थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग की वजह से कि वहाँ पे काफ़ी हमें रश मिला. तकरीबन 45 मिनट्स वेस्ट हो गए उसमें और काफ़ी लंबे, लेकिन भारत वो क्लियर हुआ. उसके बाद फिर हम मुजफ़्फ़राबाद से होते हुए पंजग्रां एक जगह वहाँ पर हमने स्टे किया, रुके वहाँ पर कुछ देर के लिए. वहाँ पे अच्छा वाटरफॉल था और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है जो कि मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पे, और बहुत खूबसूरत वाटरफॉल थी. उसके बाद एक और वाटरफॉल थी, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा. और उसके बाद जो थर्ड हमारी अट्रैक्शन थी जिस पे हम रुके वो थी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल. तो ये पंजग्रां से LOC तक हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा होगा और वो भी एक बड़ी खूबसूरत सी जगह थी. यानी आप सामने खड़े हुए हैं और आपके बिल्कुल सामने इंडिया है जो कि लिटरली आपके बिल्कुल यानी वो चोट इंडिया को नीचे वाली जगह है. वहाँ पे झंडा भी है और इंडिया के गांव वगैरह भी जम्मू कश्मीर में आते हैं और हम आज़ाद कश्मीर में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी जगह थी. उसके अलावा फिर हम वहाँ से होते हुए शाही कुंडाल वहाँ पे गए. वहाँ पे भी अच्छा एक वाटरफॉल तो नहीं उसे कहेंगे, लेकिन इसी तरह का पानी वानी दरिया था और सही जिसे कहते हैं ना पावरफुल किस्म का, मज़ा आ गया उसको देखने का. वो वहाँ से LOC से उसका जो रास्ता था वो तकरीबन 1.5 घंटे का था. और उसके बाद फिर हम वहाँ से जो रात को वापस आए तो यहाँ पे हमने केल में पहुँचे रात को तकरीबन 8:30 बजे. तो सुबह 5:30 से लेके 8:30 तक हम ऑलमोस्ट जर्नी में ही थे. हमें रेस्ट का मौका नहीं मिला, बस जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर रुक कर हमने उसको इन्जॉय ज़रूर किया. और 8:30 बजे फिर हम पहुँच के 1 घंटा एक रेस्ट की और उसके बाद फिर डिनर करने के बाद फिर हम सो गए. और रूम्स भी हमें जो मिले वो ये इसके साइड पे यहाँ पे रूम्स हैं और काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, मुनासिब होटल्स हैं और साफ सुथरे. और फिर व्यू इट्स मार्वलस व्यू, बहुत ही खूबसूरत. सो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो ताओ बर्ड का प्रोग्राम है और ताओ बर्ड में जो हमने जाना है तो जीप्स के ज़रिए जाएंगे. जो हमें बताया गया है एस्टिमेटेड टाइम दैट इज़ 6 आवर्स. सो हम समझ सकते हैं तकरीबन 4 से 6 घंटे का ये रास्ता होगा और जीप के ज़रिए है तो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ भी हो सकता है. बेहतरी की तो उम्मीद नहीं है, ज़ाहिर है जीप का रास्ता है. तो दरमियान में हमें काफ़ी अट्रैक्शंस भी और मिलेंगी देखने को. 3-4 और जगह भी हैं जो दरमियान में देखते हुए हम ताऊ बट तक पहुँचेंगे. और आज रात हमारा स्टे जो है वो ताऊ बट में है. अब नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा आपको ताऊ बट से भी वीडियो बना के शेयर करूँगा. सो आप देखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए और जब भी मौका मिले कोशिश करें कि इन खूबसूरत जगहों पर ज़रूर आया करें. You're gonna feel very happy. Take care. Allah Hafiz.